छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती 307 जैसे जघन्य मामले की एक आरोपी महिला फिल्मी अंदाज में अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस हाथ मलते रह गई और ये महिला अस्पताल से बड़े ही शातिर तरीके से भागने में कामयाब रही। महिला पर कुछ दिनों पहले परिवार सहित पुलिस के ऊपर पथराव करने और जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था। महिला के परिवार के 6 लोग इस मामले में आरोपी थे, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इन्हीं में से एक थी महिला रितु जाटव। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छुई खदान इलाके में रहने वाले दिलीप जाटव की पत्नी रितु जाटव को धारा 307 यानी जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। चूंकि रितु जाटव 7 महीने की गर्भवती महिला थी, 14 मार्च को उसने बताया कि उसे पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए जिला जेल से उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसके उपचार के लिए उसे यहां भर्ती कर लिया। इसके बाद ये महिला 15 मार्च की सुबह करीब 7 बजे अस्पताल से फरार हो गई। इस मामले से जुड़े 4 CCTV वीडियो सामने आए हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महिला कितने शातिर तरीके से अस्पताल से भागने में कामयाब रही। ये पहला वीडियो है जिसमें महिला अस्पताल के महिला वार्ड में ही भर्ती थी और यहां से पुलिस आरक्षक की मौजूदगी में टॉयलेट जाने के लिए निकली थी। इसके बाद ये महिला टॉयलेट में ही एक खिड़की का सहारा लेकर बाहर कूद गई। इस वीडियो में वह अस्पताल के बाहर कूदती हुई नजर आ रही है और तीसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो अस्पताल के बाहरी हिस्से में जहां पार्किंग है उस हिस्से से बाहर के गेट की ओर जा रही है और ये आखिरी वीडियो जब वो गेट से बाहर निकलकर फरार हो गई। सुबह 7 बजे आरोपी महिला रितु जाटव जब अस्पताल से भागी तब हड़कंप मच गया। पुलिस के पास बस CCTV फुटेज खंगालने का काम बचा था। जेलर रामसुरमणि पांडे और पुलिस फोर्स अस्पताल पहुंचा। इस मामले के CCTV वीडियो खंगाले गए और अब इस महिला की तलाश की जा रही है। उसका हवालाती महिला है रितु पति का नाम दिलीप जाटव। ये अपना रहने वाली है छुई खदान सटाई रोड छतरपुर की थाना सिविल लाइन का मामला है इसका। माननीय CGM साहब के यहाँ से जेल में आई थी कल दिनांक जो बीत गया 14/3/2023 को। डॉक्टर साहब की सलाह से शाम को ये छतरपुर अस्पताल में भेजी गई थी। अपनी पुलिस गार्ड न मिलने के कारण अपनी गार्ड लगी हुई थी। आज सुबह करीब 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वो जो महिला अस्पताल में एडमिट है वो साहब बाथरूम करने गई थी फ्रेश होने, वो साहब निकली नहीं बाहर और मिल भी नहीं रही है। उसी के संबंध में अपन लोगों ने उसको ढूंढना चालू किया और वो फरार होने में सफल हो गई। किस मामले में आई थी ये? 307 मामले में आई थी। पुलिस के ऊपर इनकी झड़प हुई थी छुई खदान में इनके पति के, उसमें ड्यूटी पे तैनात थे। ये कितने लोग तैनात थे यहाँ पे? 3 महिलाएं तैनात रहती हैं 4-4 घंटे। तो ये रश्मि दाहिया के उसमें हुआ है ड्यूटी में। हाँ, अब उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अब इसकी खोजबीन चालू की गई है। जिला अस्पताल में CCTV लगे हैं या क्या? जांच लगे हैं, उससे अपन ने खंगाला है। तो वो बाथरूम का एक बेस्टल लैट्रिन लगा हुआ है उसमें, जो कबाड़ टाइप में है, तो वो अंदर से बंद था फाटक, उसमें वो समझ में आया कूद गई है अंदर। अब वहाँ खिड़की से वो निकलने में सफल हुई है क्योंकि कैमरे में बाहर निकलते हुए दिखी है वो। पाइप तो नहीं लगा वहाँ पर, खिड़की या जैसा भी हुआ हो। 3 मंजिल से उतरी तो पाइप की सारी? नहीं नहीं, 3 मंजिल से नहीं उतरी हो, फ्लोर नंबर 1 से आई है। इनके ऊपर 6 लोगों के ऊपर मामला दर्ज है, जिसमें 2 फरार हैं, बाप बेटे, और 2 महिलाएं 2 पुरुष अंदर हैं। अब ये महिला भाग गई तो 3 लोग बचे।